पाकिस्तान हमेशा भारत के मामलों में दखलअंदाजी करता रहता है और भारत से मुंह की भी खाता रहता है। इसके साथ ही साथ भारत की कई संस्थाओं ने समय समय पर पाकिस्तान को सबक सिखाया। उसी कड़ी में इस बार पाकिस्तान की नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया है बनारस के संत समाज ने। श्री राम जन्मभूमि के प्रश्न पर पाकिस्तान के द्वारा बयान दिया जाना घोर निंदनीय है। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से इतना ही कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर 28 वर्ष पूर्व गिरा हुआ एक ढांचा, 492 वर्षों का संघर्ष और अंततोगत्वा भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा संविधान पीठ का फैसला श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में गया, और आप 28 वर्षों के बाद अगर इस विषय पर हमें भड़का रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिए कि हिसाब तो आपको देना है कि तक्षशिला से लेकर के शारदा पीठ के खंडहर चीख चीख करके अपनी गवाही दे रहे हैं। हिंदुस्तान में ये सच है कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। अयोध्या, मथुरा, काशी सभी मुगल आक्रांताओं ने ही तोड़े थे, ऐसे हजारों उदाहरण मौजूद हैं। लेकिन हम इसमें आक्रमण प्रत्याक्रमण की शक्ल सूरत में नहीं जाते। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान आ ही गया अपनी जात पर, और आना ही था क्योंकि पाकिस्तान के पैसे से जो पोषित पीएफआई के द्वारा फंडेड लोग थे, अभी कुछ दिन पहले कि राम मंदिर न बने, कभी कपिल सिब्बल, कभी उदित राज, कभी दिलीप मंडल, ये बोलते हुए अलग अलग तर्कों से पाए गए। ये उसी प्रकार के तर्क थे जिस प्रकार रावण का सीधे युद्ध में ललकारने से पहले ताड़का, सुरपणखा, मारीच, सुबाह जैसे राक्षसों को मैदान में उतारना था। वैसे ही जब ये सब विफल हो गए तो भारत में धर्म के आधार पर भड़का करके पाकिस्तान राजनीति करना चाहता है और ये मंसूबा सफल नहीं होगा। हम इतना ही कहेंगे कि एक टूटता हुआ देश, 28 वर्ष के टूटे ढांचे की चिंता तुम्हें कैसे हो गई? तुम्हारे देश में जब इस वर्ष सिंध प्रांत के अंदर लोगों ने कि उनके अपने पूर्वज महाराजा ताहिर की बड़े पैमाने पे जयंती मनाई और बलूचिस्तान ठीक प्रकार से विद्रोह कर बैठा, और पीओके तो हमारा है ही, तो टुकड़े टुकड़े में टूटता और बिखरता देश, उसे हिंदुस्तान के एक ढांचे के टूटने की इतनी चिंता है। मैं इतना ही कहूंगा कि तुम अपना अस्तित्व बचा लो, हमारे बारे में बोलना बंद कर दो तो शायद तुम्हारे हित में होगा। तो सुना आपने क्या कहा स्वामी जितेंद्रानंद जी ने, इस तरह पाकिस्तान को बाज आना चाहिए, भारत अपने मामले सुलझाने में सक्षम है। संत समाज ने यही संदेश दिया है। बनारस से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट NMF न्यूज के लिए।